तो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल मुक्कू पिक्चर। तो गाइस, इससे अगले वाले वीडियो जब मैं रखा था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा कमेंट आया था, भाई रिमेनी के बारे में बताओ, भाई रिमेनी से क्या होता है, रिमेनी के बारे में कुछ बताओ, बहुत सारा रिमेनी रिमेनी रिमेनी। तो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिमेनी से क्या होता है, कुछ नहीं होता। चलो सच बताता हूँ, कुछ होता है। तो रिमेनी से क्या होता है, मैं पहले आपको बता दूँ कि आपको कौन सी रिमेनी यूज करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपके पास प्रीमियम रिमेनी नहीं है, मतलब जिसमें आप पैसा खर्च नहीं किए हुए हो, उस रिमेनी में क्या होता है, जब आप एडिट करने के बाद फोटो रिमेनी करोगे ना, तो उसमें आपका सेचुरेट वगैरह कलर वगैरह चला जाएगा। और प्रीमियम रिमेनी में क्या होता है कि आप पहले रिमेनिंग करो या एडिट करने के बाद रिमेनिंग करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं होता। तो आपके पास प्रीमियम नहीं है तो मोड ऐप जाके डाउनलोड करना, और क्रोम पे से डाउनलोड हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि रिमेनिंग से क्या होता है, तो चलिए मैं आज की ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग को भी पता चले कि रिमेनिंग से क्या होता है। सो वीडियो को पूरा देखना, चलिए मिलते हैं। आप लोग मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि ये जो मैंने फ़ोटो लिया है उसमें रिमेनिंग नहीं मैंने किया है। तो अब इसको रिमेनिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो रिमेनिंग है जो प्रो वर्जन है यानी कि प्रीमियम है। सो इसलिए मैं आपको रिमेनिंग का अर्थ क्या होता है, रिमेनिंग से क्या होता है, मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम लोग शेयर करेंगे रिमेनिंग में। और यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, एक है मल्टीपल रिजल्ट और दूसरा है इनहेंस। तो हम क्या करेंगे, इनहेंस पे टिपेंगे। और यहाँ पे तीन ऑप्शन आया है, फर्स्ट है इन्वायरमेंट इन्हेंस, सेकेंड है फेस इन्हेंस, थर्ड है फुल इन्हेंस। मतलब आप फुल इन्हेंस पे टिपोगे तो आपका पिक्चर पूरा इन्हेंस हो जाएगा। तो हम थर्ड पे टिपेंगे। जब तक रिमेनिंग हो रहा है तब तक मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो अपने जिस कैमरा से फ़ोटो खींचते हो ना, उसमें अगर आपका रो में फ़ोटो है कि रो GFN में है, तो इससे क्या होता है कि आपका फ़ोटो सीधा रिमेनिंग में नहीं जाएगा। उसके लिए आपको क्या मोड मोड वर्जन या मोड वर्जन या प्रीमियम रिमेनिंग चाहिए। मेरा प्रीमियम है तो मेरा भी नहीं जाता है इसमें। तो पहले आप लाइट रूम से एडिट करें, उसके बाद ही रिमेनिंग में जाए, तब आपका फ़ोटो बस सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो रिमेनिंग हो चुका है। तो आप देख ही रहे होंगे मेरा फ़ोटो अभी ऐसा रिमेनिंग हुआ है। इससे पहले का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। पहला ऐसा था, आप लोग देख ही रहे होंगे कि फेस वगैरह इतना क्लियरिटी नहीं था, बैकग्राउंड वगैरह क्लियरिटी नहीं था। और आप देख रहे हैं कि फेस कितना अच्छा एडिट हो गया। सो आप समझे? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि इससे एक ही चीज होता है, वो है जो आपके फोटो में फेस उस पर ब्लर वगैरह होगा, उसको ए रिमेनिंग अच्छा से साफ कर देगा। यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। और पूरा फुल इन्हेंस कर देगा आपके रिमेनिंग के, जहाँ जहाँ ब्लर उलर वगैरह होगा आपके फेस पे, वहाँ सब कर देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग सीधा यहाँ ये डाउनलोड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना और थोड़ा देर वेट करना है, जिससे आपका फ़ोटो है वो सक्सेस हो जाएगा। तो इसके बाद डन वगैरह कर लेना। और वहाँ से डन करने के बाद सिंपली आप अपने रिमेनिंग वाले ऑप्शन में जाना और देख ही सकते, आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरा फ़ोटो पहला किस तरह था। मैंने उस फोटो को एक बार रिमेनिंग किया भी था, भी वो फोटो कुछ क्लियर नहीं आ रहा था। तो सो मैंने इसीलिए इस फोटो को एक बार और रिमेनिंग किया। और इसके बाद है ना, आप लोग फेस को एडिट फेस एडिट करना, फेस वगैरह स्मूथ करना। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोटो कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो सो तो आज का वीडियो में मैं इतना कहने जा रहा था। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।